नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स का पार्ट 1। 200 प्लस की एमसीक्यू सीरीज़ रिवीजन सीरीज़ हमारी चल रही है। इस रिवीजन सीरीज़ में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। सितंबर से हमने कारवा शुरू करा था, जो अब हम जुलाई पर आ चुके हैं। ठीक है, 1 नवंबर को आ जाएगा आपका अक्टूबर महीना का पार्ट 1, और फिर हम सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें हम जुलाई के आज 100 से ज़्यादा एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं बिना वक्त गवाए आज का ये सेशन। इंडिया रैंक डैश इन JLL ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स GRITI मेकिंग एन इम्प्रूवमेंट ड्यू टू मोर रेगुलेटरी रिफॉर्म एंड अदर इनिशिएटिव। भारत ने आर्थिक नियामक सुधारों और अन्य पहलों के कारण सुधार को चिन्हित करते हुए JLL के ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में 34वां स्थान हासिल करा है। कौन सा स्थान हासिल करा है? 34वां स्थान हासिल करा है। आपको बस इतना याद रखना है, ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन कॉल्ड इट्स बिटवीन यू इन इंडिया। तो आपका आंसर बनता है व्हाट्सएप। इट्स बिटवीन यू, बस इतना याद रखना आपको, इट्स बिटवीन यू कैंपेन किसने लॉन्च करा है, किस मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च करा है, तो वो है व्हाट्सएप। अगला सवाल है आपका, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू टेक नेसेसरी स्टेप टू अपग्रेड द दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंटू नेशनल पार्क। किस राज्य ने दिहिंग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य को नेशनल पार्क में अपग्रेड करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया है? तो आंसर बनता है असम। क्वेश्चन यही आएगा, दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आंसर याद रखना है आपको, असम में। दिहिंग पटकई नेशनल पार्क असम में है। अगला सवाल है आपका, नेम द स्टेट विच हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर 100% हाउस होल्ड हैव LPG गैस कनेक्शन। उस राज्य का नाम बताइए जो भारत में 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया। तो आपका आंसर बनता है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिसइंफेक्शन बॉक्स विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द रिसर्चर्स एट IIT रुड़की टू सैनिटाइज पर्सनल बिलोंगिंग्स अप्रियल्स PPE मेडिकल इक्विपमेंट अमंग अदर फ्रॉम द COVID-19। डिसइंफेक्शन बॉक्स का नाम बताइए जिसे IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने व्यक्तिगत सामान, अप्रियल्स, PPE किट, चिकित्सा उपकरणों को COVID-19 के स्टरलाइज करने के लिए विकसित किया है। तो आपका आंसर बनता है यूनिसेवियर। क्या? यूनिसेवियर। अगला सवाल है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन अप्रूवल फॉर एक्सटेंडिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2020 तक विस्तार देने की मंजूरी दी, यानी कि बढ़ा दिया है। अगला सवाल है, द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ कॉरपोरेटिव्स 2020 इज कॉरपोरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। आंसर क्या है? कॉरपोरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ रिलीफ स्कीम नेकर सम्मान योजना फॉर वेवर्स इन विच अ फाइनेंशियल असिस्टेंट विल बी गिवन टू द हैंडलूम वेवर्स थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। बस आपको याद रखना है, नेकरा सम्मान योजना किस राज्य की है? तो आपका यह आंसर बनेगा कर्नाटका की। कौन सा राज्य? कर्नाटका। भविष्य सेविंग अकाउंट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच पेमेंट बैंक। भविष्य सेविंग अकाउंट किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर बनता है फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड। कौन सा? फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड। अगला सवाल आपका है, नेम द रेसर हु वॉन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 एट रेड बुल रिंग इन
स्पिलबर्ग ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के स्पिलबर्ग में रेड बुल रिंग में आयोजित ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीतने वाले रेसर का नाम बताइए, तो आंसर बनता है आपका वोल्टारी वोटास, वोल्टारी वोटास स्पिलबर्ग, ठीक है। करूर वैश्य बैंक हैज़ इंटर्ड इन पार्टनरशिप विथ विच इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शन अक्रॉस 780 ब्रांचेस ऑफ द बैंक। करूर वैश्य बैंक ने किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी करके बैंक की 780 शाखाओं में विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य बीमा विकल्प प्रदान किए हैं, तो आपको याद रखना है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। करूर वैश्य बैंक ने हेल्थ के लिए स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस के साथ MOU करा है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस के साथ के लिए है बजाज आलियांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम द वेटन बॉलीवुड कॉमेडियन एक्टर हु पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 81। वयोवृद्ध बॉलीवुड हास्य अभिनेता का नाम बताइए जिसका जिनका हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो आपको याद रखना है जगदीप, नाम क्या है जगदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम द ऑस्कर विनिंग इटालियन फिल्म कंपोजर हु पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉन द ऑस्कर अवार्ड इन 2016 ऑफ क्वेंटिन टारंटिनो द हेटफुल एट। ऑस्कर विजेता इटालियन फिल्म संगीतकार का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने क्वेंटिन टारंटिनो के द हेटफुल एट के लिए 2016 में ऑस्कर पुरस्कार जीता, तो आपका आंसर बनता है एनियो मोरिकोना, एनियो मोरिकोना। एनियो मोरिकोना का संबंध किस क्षेत्र से था, तो वो थे फिल्म कंपोजर। विच बैंक एंड गूगल क्लाउड हैव एग्रीड टू ज्वाइन एंड फॉर्म अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट एम्स टू रीडिफाइन हाउ द बैंक डेवलप्स एंड ऑफर्स इट्स फाइनेंशियल सर्विसेज। किस बैंक और गूगल ने प्रभाव में शामिल होने और रणनीतिक साझेदारी बनाने पर सहमत हुए हैं जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक कैसे विकसित होता है, अपनी वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। आंसर बनता है डच बैंक, आंसर कौन सा बनता है डच बैंक। अगला सवाल है, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA फॉर पीरियड ऑफ 3 years। आंसर बनता है इंद्रजीत श्रीनिवास, क्या है इंद्रजीत श्रीनिवास, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का जो हेडक्वार्टर रहेगा वो गांधीनगर में होगा। अगला सवाल है, हु विल बी द फर्स्ट इंडियन CEO ऑफ द इंडिया बिजनेस काउंसिल, UK इंडिया बिजनेस काउंसिल एंड ऑल्सो द फर्स्ट CEO ऑफ द काउंसिल हु विल बी बेस्ड इन इंडिया। UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के पहले भारतीय CEO और साथ ही भारत स्थित काउंसिल के पहले CEO कौन होंगे, तो आंसर बनता है जयंत कृष्णा। कौन है UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष या चेयरमैन, तो जयंत कृष्णा। अगला सवाल है, नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक विच हैज़ लॉन्च अ डिजिटल सॉल्यूशन लोन इन सेकेंड्स फॉर इंस्टेंट डिसबर्समेंट ऑफ रिटेल लोन्स। लोन इन सेकेंड किसने लॉन्च करा है, तो यस बैंक ने, किसने, यस बैंक ने। अगला सवाल, ऑन विच डे वर्ल्ड चॉकलेट डे और इंटरनेशनल चॉकलेट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। आंसर बनता है 7 जुलाई, 7 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड चॉकलेट डे। अगला सवाल है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज पार्टनर विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद टू एस्टैब्लिश अ रिसर्च सेल, ठीक है, उस संगठन का नाम बताइए जिसने एक रिसर्च सेल स्थापित करने के लिए IIT हैदराबाद के साथ साझेदारी करी है, तो आंसर बनता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। अगला सवाल है आपका, विच स्टेट हैज़ लॉन्च वेवर सम्मान योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 2004 अबाउट 19/41 हैंडलूम वेवर इन द स्टेट थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। माफ़ कीजिएगा, ये 19,744 है, ये 19,744 है, बाय नहीं, 19,744 हैंडलूम वेवर्स है इन स्टेट थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, तो कर्नाटक ने। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज़ रिलीज्ड डॉल डैश
$1 million in the first tranche of assistance to L&T Infrastructure Finance Limited to for funding renewable energy projects in the country. भारत में renewable energy के लिए projects के लिए Asian Infrastructure Investment Bank ने L&T को $50 million की पहली खेप दी है या पहली किश्त दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज entered into कॉरपोरेट एजेंसी पार्टनरशिप विद बजाज आलियंस लाइफ इंश्योर लाइफ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन ऑफ द लेटर टू इट्स कस्टमर. मैंने क्या बताया था, करूर वैश्य बैंक. ठीक है, बजाज आलियंस के साथ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए किसने साझेदारी करी, करूर वैश्य बैंक ने, और करूर वैश्य के साथ हेल्थ के लिए स्टार हेल्थ ने. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु ऑथर्ड अ बुक गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया. तो आंसर बनता है आरसी भार्गव. आरसी भार्गव ने क्या लिखा है, गेटिंग कॉम्पिटिटिव बुक लिखी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द बैंक विच हैज अनाउंस इट्स पार्टनरशिप विथ मास्टर कार्ड टू रिवोल्यूशनाइज डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंड रेमिटेंस थ्रू मास्टर कार्ड सेंड. उस बैंक का नाम बताइए जिसने मास्टर कार्ड सेंड के माध्यम से घरेलू और सीमा पार भुगतान को और प्रेषण में क्रांति लाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है. तो SBM बैंक इंडिया, SBM बैंक इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द कंपनी विच हैज़ पार्टनर विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू इन्हेंस द डिजिटल स्किल ऑफ द कंट्रीज यूथ. उस कंपनी का नाम बताइए जिसने देश के युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए, डिजिटल स्किल्स को बढ़ाने के लिए NSDC के साथ साझेदारी करी है. तो आपका आंसर बनता है माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, देश के युवाओं में डिजिटल स्किल को बढ़ावा देने के लिए NSDC ने किसके साथ साझेदारी करी है, तो माइक्रोसॉफ्ट. नेम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच हैज़ अप्रूव्ड $400 million लोन टू सपोर्ट नमामि गंगे प्रोग्राम ऑफ इंडिया. तो आपका आंसर बनता है वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक ने $400 million दिए हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए भारत के. नेक्स्ट है, बुक टाइटल है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइज, किसके द्वारा लिखी गई है. तो आंसर बनता है AK श्री कुमार और रूपा श्री कुमार के द्वारा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020. उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी 2020 पर केंद्र सरकार की समिति में नियुक्त किया गया है, यानी कि एक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है इनको. तो आंसर बनता है आपका सीजो कुरुविला जॉर्ज को साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर पॉलिसी बनाने के लिए कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. नेम द पर्सन हु हैज़ बिकम द इंडिया 66 ग्रैंड मास्टर. तो आंसर बनता है आपका जी आकाश. भारत का 66वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो जी आकाश. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द कंट्री विच विल होस्ट नेक्स्ट एडिशन ऑफ द एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट. तो आंसर बनता है श्रीलंका. अगले साल होगा एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि श्रीलंका में होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट एशियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन विच स्टेट. तो आपका आंसर बनता है मध्य प्रदेश. एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ बन रहा है, मध्य प्रदेश के रीवा में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड जूनेस डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट. तो आंसर बनता है आपका 6 जुलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द डेटा बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज टॉप्ड मार्केट बोरोइंग अमंग द ऑल स्टेट इन इंडिया. आंसर बनता है तमिलनाडु. कौन सा राज्य, तमिलनाडु टॉप पे है मार्केट बोरोइंग के मामले में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर विच इंडियाज लीडिंग मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला हैज इंटर इन टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू प्रोवाइड अ सीमलेस एंड सुपरलेटिव पेमेंट एक्सपीरियंस ऑन इट्स ऐप. वो डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर का नाम बताइए जिसके साथ भारत का अग्रणी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने, ठीक है, मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने अपने ऐप पर एक सहज और शानदार भुगतान अनुभव प्रदान करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की है. तो फ़ोन पे, किसके साथ, फ़ोन पे. अब हो सकता है आपको फ़ोन पे पे ओला का ऑप्शन दिखे और ओला पे फिर फ़ोन पे का ऑप्शन दिखे. ठीक है, ये हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Name the organization which has signed MOU with Central Board of Direct Taxes for the data exchange. ठीक है, डेटा एक्सचेंज के लिए सीबीडीटी के साथ किस एजेंसी ने टाई अप करा है? तो आंसर बनता है सेबी. किसने? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने. अगला सवाल है आपका, अमोदुगोन कुलीबिली हु पास्ड अवे रिसेंटली इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इच कंट्री. तो आंसर बनता है आइवरी कोस्ट. क्या? आइवरी कोस्ट. इसकी राजधानी क्या है? या मुश्करो. और करेंसी कौन सी चलती है यहाँ पे? इको. वो पहले चलती थी फ्रैंक. चलिए आगे. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन सेल्फ स्कैन टू स्कैन डॉक्यूमेंट. तो आंसर बनता है वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल ने क्या शुरू करा है? सेल्फ स्कैन मोबाइल ऐप. अगला सवाल है आपका, विच बैंक एंड द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैव रिन्यूड देयर एग्रीमेंट टू कोलाबरेट ऑन द सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंस ऑफ द एनर्जी सेक्टर. तो आपका आंसर बनता है एडीबी. क्या बनता है? एडीबी. किस बैंक और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ऊर्जा क्षेत्र की स्थिरता और रिसाइलेंस पर यानी लचीलेपन पर सहयोग के लिए एक समझौते को रिन्यू करा है? तो आंसर बनता है आपका एडीबी. एडीबी और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने क्या करा है? एनर्जी सेक्टर में एमओयू को रिन्यू करा है. बस इतना याद रख लेना. अगला सवाल है, द थीम ऑफ द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इंडिया ग्लोबल वीक 2020 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन यूनाइटेड किंगडम वाज. यूके में आयोजित होने वाले वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का विषय क्या था? सब्जेक्ट क्या था? तो आंसर था बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड. बी द रिवाइवल इंडिया एंड द बेटर न्यू वर्ल्ड. अगला सवाल है आपका, नेम द पर्सन हुज टेन्योर एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आपका आंसर बनता है बंसीलाल भट्ट. बंसीलाल भट्ट का एनसीएलएटी के चेयरमैन के तौर पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है. अगला सवाल है, आईआरडीएआई इल्डा हैज़ रिमूव डैश लाख कैप ऑन सम इंश्योर्ड अंडर द आरोग्य संजीवनी पॉलिसी. तो आपको याद रखना है 5 लाख रुपये. इरडा ने आरोग्य संजीवनी नीतियों के अंतर्गत बीमा राशि पर 5 लाख रुपए के आवरण को हटा दिया है. ठीक है, अगला सवाल है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज साइन एमओयू ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ सीबीडीटी फॉर म्यूचुअल डेटा एक्सचेंज. आंसर है सेबी. क्या है आंसर? क्या है? सेबी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ एसबीआई प्लान टू सेट अप फंड टू रिवाइव स्लम रिहेबिलेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स. एसबीआई ने किस राज्य के साथ स्लम पुनर्वास अधिकरण परियोजना को पुनः जीवित करने के लिए फंड स्थापित करने की योजना बनाई है? तो आंसर बनता है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र सरकार और एसबीआई ने स्लम रिहेबिलेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए एमओयू करा है. अगला सवाल बनता है आपका, ग्लोबल लीडर इन पेमेंट टेक्नोलॉजी मास्टर कार्ड अनाउंस एन एडिशनल डैश करोड़ इन्वेस्टमेंट टू हेल्प स्मॉल बिजनेसेस इन द कंट्री एम्ड एट द कोविड-19 पैंडेमिक. कोविड-19 महामारी के दौरान भुगतान प्रौद्योगिकी में वैश्विक कंपनी मास्टर कार्ड ने देश में छोटे व्यवसायों की मदद के लिए एक अतिरिक्त 250 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा की है. ठीक है, देश में कितना निवेश करेगी मास्टर कार्ड? 250 करोड़ रुपये. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हिमालय बटरफ्लाई विच हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई ब्रेकिंग अ रिकॉर्ड एज नॉन स्पाइसमैन हेड हेल्ड फॉर 88 ईयर्स. हिमालय की किस तितली को 88 वर्ष के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा हासिल हुआ है? तो आपका आंसर बनता है गोल्डन बर्ड विंग. गोल्डन बर्ड विंग भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है. ठीक है, तमगा हासिल हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गूगल प्लस अ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेट सर्च जायंट गूगल हैज़ रीब्रांडेड एज गूगल करंट. गूगल प्लस ने अपना नाम बदलकर गूगल करंट कर लिया है. द बुक टाइटल हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलुस्ट्रेटेड बायोग्राफी ऑथर्ड बाय. तो आपका आंसर बनता है तेजनिंग गीशे तेथोंग. क्या? तेंजिंग गीशे तेटोंग. हिज होलीनेस बुक किसने लिखी है? तो तेजिंग गीशे तेथोंग ने.
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द न्यू ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। ठीक है, हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका आंसर बनता है ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च डैश अमेजोनिया वन सैटेलाइट। तो आंसर बनता है आपका ब्राज़ील। अमेजोनिया वन सैटेलाइट किसकी है? तो वो है ब्राज़ील की, जिसे इसरो ने क्या करा है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेम द स्टेट विच हैज साइंड MOU विथ HDFC बैंक टू प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन टू द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। उस राज्य का नाम बताइए जिसने राज्य के परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका आंसर बनता है झारखंड। SBI ने किसके साथ करा था? महाराष्ट्र के साथ। और HDFC ने किसके साथ करा है? झारखंड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द CEO ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI के CEO पद के किसने त्यागपत्र दे दिया है? आपका आंसर बनता है राहुल जोहरी। किसने? राहुल जोहरी ने। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020? आंसर एक, पुटिंग द ब्रेक ऑन COVID-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु हैज वॉन 10th एडिशन ऑफ द 2020 दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर डॉक्यूमेंट्री नेम चीलूपो। चीलूपो के लिए 2020 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला है? तो आपको याद रखना है केजिंग डी थोंग डॉग। किसे? केजिंग डे थोंग डॉग। बुक का नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर बनता है रॉस्किन बॉन्ड। किसके द्वारा? रॉस्किन बॉन्ड। अगला सवाल है, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन नेम्ड फॉर वोन कर्मा अवार्ड बाय द इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा वोन कर्मा अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपको याद रखना है नाम कैलाश वादिवु शिवन, मतलब अपने के शिवन, जो इसरो के चेयरमैन हैं। नेम द बैंक विच हैज़ पार्टनर विद वीज़ा टू डिप्लॉय वीज़ा सिक्योर टू द बैंक्स कार्ड होल्डर। उस बैंक का नाम बताइए जिसने वीज़ा के साथ भागीदारी करके बैंक के कार्ड धारकों को वीज़ा सुरक्षित किया है। तो आंसर बनता है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने किसके साथ यानी सिक्योरिटी के लिए साझेदारी करी है? तो आपको याद रखना है वीज़ा के साथ फेडरल बैंक ने की है। अगला सवाल बनता है, हु हैज़ वॉन द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन ऑफ पोलैंड। ठीक है, पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? आपका आंसर बनता है आंद्रे सेबेस्टियन डुडा। अगला सवाल है, विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड द इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड बाय द IT इंस्टीट्यूशन इलाइट टेक्नोमीडिया अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। किस राज्य को डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत IT संस्थान एलिट्स टेक्नोमीडिया द्वारा एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर आपका बनता है छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ को मिला है एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड। अगला सवाल है, वेयर इज द बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? तो आंसर बनता है आपका भुवनेश्वर में। कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। अगला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड MOU ऑफ अंडरस्टैंडिंग, माफ कीजिएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द डेटा शेयरिंग विद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। आंसर बनता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। माफ कीजिएगा गलत है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आंसर है आपका। क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आएगा आंसर आपका। ठीक है, अगला सवाल, इरडा हैज अलाउड द जनरल स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑफर कोरोना कवच पॉलिसी एज अ ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट, व्हाट विल बी मैक्सिमम सम इंश्योर्ड अंडर दिस पॉलिसी। इरडा ने सामान्य और स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमा
उपयोगकर्ताओं को एक समूह बीमा उत्पाद के रूप में कोरोना कवच नीति की पेशकश करने की अनुमति दी है। इस पॉलिसी के तहत अधिकतम बीमा राशि 5 लाख रुपए तक की कितनी होगी, 5 लाख रुपए तक की होगी। Which of the following organization has prepared the report titled Renewal Power Pathway Modeling the Integration of Wind and Solar in India by 2030? रिपोर्ट का नाम क्या है? रिन्यूअल पावर पाथवेज मॉड है ना, मॉडलिंग द इंटीग्रेशन ऑफ विंड एंड सोलर इन इंडिया बाय 2030। तो आंसर आपका बनता है एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन इंडिया। एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन इंडिया द्वारा ये बुक, माफ़ कीजिएगा, रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट का नाम क्या याद रखेंगे? रिन्यूअल पावर पाथवे पाथवेज, ठीक है। रिन्यूअल पावर पाथवेज बुक किस, रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। अगला सवाल, हु हैज़ लॉन्च द रीस्ट्रक्चर्ड प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 स्कीम एंड वेब पोर्टल्स? लोक प्रशासन 2020 योजना और वेब पोर्टल में उत्कृष्टता के लिए पुनर्गठित प्रधानमंत्री पुरस्कार का शुभारंभ किसने किया है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने करा है, ठीक है। प्रधानमंत्री पुरस्कार का शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री विच हैज़ बिकम 25th कंट्री टू रिसीव ऑब्जर्वर स्टेटस इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में किस देश को ये स्टेटस मिल गया है कि वो ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया है, और वो देश है 25वें नंबर का? तो आंसर बनता है आपका तुर्कमेनिस्तान। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज़ बिन अपॉइंटेड ऑनररी एडवाइजर टू स्क्रीनिंग कमेटी ऑफ ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स की स्क्रीनिंग कमेटी में किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो आंसर है साहिल सेठ। कौन? साहिल सेठ। नेम द कंट्री विच हैज़ बैंड ओवर 100 टेक्स्ट बुक्स फॉर कंटेनिंग ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, ठीक है, ठीक है। उस देश का नाम बताइए जिसने आपत्तिजनक सामग्री वाली 100 से अधिक पाठ्य पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपका आंसर बनता है पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। अगला सवाल है, नेम द इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विच हैज़ बीन सक्सेसफुल टेस्ट फायर बाय इंडिया रिसेंटली। तो आंसर बनता है ध्रुव अस्त्र। कौन सा? ध्रुव अस्त्र। नेम द क्लाइमेट एक्टिविस्ट फ्रॉम द स्वीडन हु हैज़ बीन नेम्ड विनर ऑफ द इनॉग्रल गुलबेकाइन प्राइज फॉर द ह्यूमैनिटी। तो आंसर बनता है आपका ग्रेटा थंबर्ग। ग्रेटा थंबर्ग। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो आपका आंसर बनता है सुमित देव। क्या बनता है? सुमित देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज साइंड एग्रीमेंट विथ मालदीव्स फॉर एस्टेब्लिश्ड ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। किस देश ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए मालदीव्स के साथ समझौता किया है? तो भारत ने। किसने करा है? भारत ने। नेम द पेमेंट बैंक विच हैज पार्टनर विथ नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC टू ट्रेन एंड स्किल द यूथ इन रूरल इंडिया फॉर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जॉब। उस पेमेंट बैंक का नाम बताइए जिसने वित्तीय सेवा क्षेत्र की नौकरियों के लिए ग्रामीण भारत में युवाओं को प्रशिक्षित करने और कुशल करने के लिए राष्ट्रीय NSDC के साथ भागीदारी करी है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। इसने एयरटेल पेमेंट बैंक ने। नेक्स्ट है, नेम द बैंक विच हैज़ लॉन्च 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन सेविंग अकाउंट नेम इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। बस याद रखना इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट किसका है? बैंक ऑफ बड़ौदा का है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू ऑटो जनरेटेड फॉर्म 26AS विच विल हैंड होल्ड टैक्स पेयर्स वाइल फाइलिंग देयर ITR इन अ फेसलेस मैनर फ्रॉम द करंट असेसमेंट ईयर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने एक नया ऑटो जनरेटेड फॉर्म 26AS पेश किया है जो वर्तमान निर्धारक वर्ष से अपना ITR दाखिल करते समय करदाताओं को सौंपेगा, ठीक है। अगला सवाल है,
UPI AutoPay facility for recurring payment has been launched by NPCI, National Payment Corporation of India. ठीक है, UPI AutoPay facility बस इतना याद रखना है, NPCI. अगला सवाल है आपका, name the person who has been appointed as the managing director and chief executive officer of the non-life insurer SBI General Insurance. SBI General Insurance के CMD, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है, तो आपको याद रखना है आंसर प्रकाश चंद्र कंडपाल. क्या है? प्रकाश चंद्र कंडपाल. अगला सवाल है, नेम द पर्सन हु क्रिएट द ब्राउन बियर मैस्कॉट मीसा फॉर 1980 मॉस्को समर ओलंपिक्स पास्ट अवे रिसेंटली. 1980 के मॉस्को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भूरे भालू शुभंकर मीशा का निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया. तो आपका आंसर बनता है विक्टर चीजीकोव. विक्टर चीजीकोव. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द PSU ऑफ इंडिया विच हैज़ साइंड MOU विद ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड टू डेवलप फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन ओडिशा. तो आपका आंसर बनता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन. भारत के PSU नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन जिसने ओडिशा में फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को विकसित करने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन किया है. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा के साथ क्या करी है? पार्टनरशिप करी है. क्यों करी है? फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ द मुकेश अंबानी इन, इसे छोड़ दीजिए, पुराना क्वेश्चन हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ अनाउंस अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विथ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू डिस्ट्रीब्यूट LIC पॉलिसी. ठीक है, LIC और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा है? MOU करा है. क्यों? LIC यूनियन बैंक अपने ब्रांच से क्या करेगा? LIC की पॉलिसीज को बेचेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड 3 MOU इन द एरिया ऑफ स्किल डेवलपमेंट विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़. किस राज्य सरकार ने IIT रोपड़ के साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखना है पंजाब ने. किसने? पंजाब ने. नेम द मिनिस्ट्री विच हैज़ लॉन्च अ मोबाइल ऐप कॉल्ड मौसम. मौसम ऐप किसने लॉन्च करा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक द पेंडेमिक सेंचुरी इज ऑथर्ड बाय, आंसर याद रखना है मार्क हॉनिग्सबॉम. मार्क हॉनिग्सबॉम ने लिखी है पेंडेमिक सेंचुरी बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पंजाब कैबिनेट अप्रूव हाउ मच मिलियन प्रोजेक्ट फॉर कैनल बेस्ड वाटर सप्लाई फॉर अमृतसर एंड लुधियाना सिटीज अंडर वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग. पंजाब मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक के वित्त पोषण के अंतर्गत अमृतसर और लुधियाना शहरों के लिए नहर आधारित जल आपूर्ति के लिए कितने मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है? तो आपका आंसर बनता है 285.71 मिलियन या फिर $286 मिलियन भी बोल सकते हैं. ठीक है, इंडिया हैज सक्सेसफुली कंडक्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटीटेक गाइडेड मिसाइल ध्रुव अस्त्र फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर इन ओडिशा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन ओरिजिन नर्स हु हैज बीन कन्फर्ड विद द सिंगापुर प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर COVID-19 सर्विसेस. आंसर बनता है कला नारायण स्वामी. क्या? कला नारायण स्वामी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डायरेक्टर. ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया है? तो आलोक मिश्रा को. किसे? आलोक मिश्रा को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज एक्सटेंड मेडिकल असिस्टेंट अबाउट 1 मिलियन टू नॉर्थ कोरिया इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के ज़्यादातर रिलेशन ठीक नहीं है, वो ज़्यादा दोस्ती नहीं करता है किसी से, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने उसे $1 मिलियन दिए हैं. ठीक है, नेम द बैंक विच हैज बैंक जॉइन हैंड्स ग्रीन क्लाइमेट फंड टू वार्ड ग्रीन रिकवरी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 डिसीज. उस बैंक का नाम बताइए जिसने COVID-19 बीमारियों के प्रभाव पर ग्रीन रिकवरी के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ हाथ मिलाया है. तो ADB.
एडीबी ने क्या करा है, ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडियन नेवी 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट हैज बीन कमीशन्ड एट इंडियन नेवल एकेडमी एझीमाला। भारतीय नौसेना एकेडमी एझीमाला में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र 3 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र चालू करा गया कहाँ, है ना, एझीमाला में। अगला सवाल है आपका, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ पार्टनर विद स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस एंड कैश YAP रुपए टू लॉन्च कमर्शियल कार्ड नेम SBM इन कैश रुपए बिजनेस कार्ड। तो आंसर बनता है NPCI। किसने, NPCI, NPCI ने साझेदारी करी है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के लिए के साथ SBM इन कैश रुपए बिजनेस कार्ड लॉन्च करने के लिए। अगला सवाल आपका बनता है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज सेलिब्रेट इन इंडिया एवरी ईयर ऑन 23rd जुलाई। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब 23 जुलाई को मनाया जाता है। नेम द पेमेंट सर्विस विच हैज़ पार्टनर विथ एक्को जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड टू ऑफर इंश्योरेंस फॉर 2 as well as 4 vehicles। तो आपका आंसर बनता है अमेजोन पे। ठीक है, पेमेंट सर्विस का नाम बताइए जिसने 2 पहिया वाहनों के साथ साथ 4 पहिया वाहनों के लिए बीमा की पेशकश करने के लिए एक्को जनरल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है। तो अमेजोन पे ने एक्को जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर, ठीक है, क्या करा है, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के बीमा की पेशकश के लिए MOU करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। आंसर है 28 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टाटा AIA लिमिटेड एज इट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आंसर इज नवीन तलियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द NBFC विच हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ पोर्टल रीस्टार्ट इंडिया फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज सेक्टर। आंसर इज मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड। ठीक है, अगला सवाल आपका बनता है, विच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ लॉन्च हाइपर लोकल 90 मिनट्स डिलीवरी सर्विस इन बेंगलुरु अक्रॉस कैटेगरी इंक्लूड ग्रॉसरी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक एंड होम एक्सेसरीज। आंसर बनता है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने क्या 90 मिनट डिलीवरी सेवा शुरू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द हॉस पार्टनर, है ना, नेम द कंपनी आएगा हैज पार्टनर विथ फोन पे डिजिटल वॉलेट कंपनी टू ऑफर अफोर्डेबल हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट। आंसर बनता है ICICI लॉम्बार्ड। नेम द इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर विद द फोन पे डिजिटल वॉलेट कंपनी टू ऑफर अफोर्डेबल हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट। ICICI लॉम्बार्ड। सस्ती अस्पताल दैनिक नगद लाभ की पेशकश करने के लिए फोन पे डिजिटल वॉलेट कंपनी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी करी है, तो ICICI लॉम्बार्ड। ठीक है, आंसर बस इतना याद रखना, हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट ICICI लॉम्बार्ड प्लस फोन पे डिजिटल वॉलेट। अगला सवाल आपका है, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ MD & CEO इंडियन ओवरसीज बैंक। आंसर इज पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। द एंड गेम ऑथर्ड बाय हुसैन जेदी। द एंड गेम बुक के लेखक कौन है, हुसैन जेदी हैं। नेम द इंडियन स्टेट विच विल होस्ट 4th खेलो इंडिया यूथ गेम। हरियाणा 4th खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित करेगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अलॉन्ग विथ विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज कूलिंग इमिशेशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट। आंसर इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया विच हैज़ रिलीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आंसर इज RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर दिवस इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट इन इंडिया ऑन विच डेट। आंसर इज 24th जुलाई। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइन $1 million करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर श्रीलंका। आंसर इज 400 million करेंसी स्वैप फैसिलिटी विथ श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस NPA ऑफ बैंक में राइस डैश बाय मार्च 2000
2021 as per the RBI Financial Stability Report, answer is 12.5%, यानी 12.5% तक बढ़ जाएगा क्या NPA. Name the person who has been appointed by the Government of India next Secretary East in the Ministry of External Affairs. She will replace incumbent Vijay Singh Thakur. ठीक है, तो answer is रीवा गांगुली दास. रीवा गांगुली दास को भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में अगले सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया है, ईस्ट के रूप में. ठीक है, अगला सवाल है, नेम द पर्सन हु हैज बीन ऑनर्ड विथ लेजेंड एनिमेशन अवार्ड. आंसर इज अर्नब चौधरी. आंसर इज अर्नब चौधरी. द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट विल रिप्लेस विच ऑफ दिस पॉलिसी. आंसर इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986. NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिप्लेस करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. अगला सवाल आपका है, नेम द बैंक विच हैज़ पार्टनर विथ यूनिकेन टू सिक्योर इट्स इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल. तो आंसर इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र. आंसर इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द इंटरिम प्रेजिडेंट, सॉरी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर सोमालिया. आंसर इज महूदी मोहम्मद गुलेद. नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया. तो आंसर इज हिशेम मेचीची. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ रीनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अगला सवाल है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड $3 million ग्रांट टू इंडिया टू फाइट कोरोना वायरस और COVID-19 पैंडेमिक. आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व्ड डैश एवरी ईयर एज अ वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग पर्सन. आंसर इज 13 जुलाई. 13 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवेज खान हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फील्ड. आंसर इज फिल्म. परवेज खान फिल्म से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया वे स्ट्रैटेजिक strategies for an uncertain world, authored by Subramanyam Jayashankar, विदेश मंत्री भारत के. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया. इस बुक के राइटर है RBI के पूर्व डेप्टी गवर्नर डॉक्टर विरल आचार्य. कौन? डॉक्टर विरल आचार्य. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम मनी. तो आंसर इज वरुण श्रीधर. कौन है? वरुण श्रीधर. लास्ट क्वेश्चन आज का, नेम द पर्सन हु हैज वॉन लाइफ टाइम एक्सेलेंस अवार्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल सर्विसेस MOES नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन अर्थ सिस्टम साइंस. माफ कीजिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है. कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने नेशनल अवार्ड जीता है अर्थ साइंस सिस्टम में. तो किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा. तो आंसर है अशोक सहानी को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन अर्थ सिस्टम साइंस, अशोक सहानी. तो दोस्तों, ये था पार्ट वन आज का, ठीक है, जुलाई के करंट अफेयर्स का. पार्ट टू मैं लेकर आऊँगा आपके लिए गुरुवार को. कल हम करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस का भाग 10 पार्ट 10. तो उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा. अगर सेशन पसंद आया तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.